हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सानोटो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीवीएस फ्यूरो के बारे में। पिछले साल लाइडर के लॉन्च होने के टाइम स्पाई शॉट से सभी को ये बाइक फ्यूरो ही लगी थी, लेकिन तब जो है ये बाइक लॉन्च नहीं हुई। बट अब इस बाइक के बारे में कुछ अपडेट्स सामने आ रही है। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टीवीएस फ्यूरो के बारे में क्या अपडेट सामने आई है, कौन कौन से स्पेसिफिकेशंस रहने वाले हैं, बाइक कितने सीसी इंजन के साथ लॉन्च होगी और कब तक इंडियन मार्केट में हम इसे देख सकते हैं। इसलिए वीडियो को जो है बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए, ताकि आपको कोई भी क्वेरी ना रहे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये सभी इन्फॉर्मेशन हम आप ही के लिए कलेक्ट करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ऐसे और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले दोस्तों, आपको बता दूं कि टीवीएस जो है फ्यूरो नाम को काफ़ी टाइम पहले नवंबर 2020 को रजिस्टर करवाया था, जो अब 17 जनवरी 2022 को अप्रूव हुई है। कुछ महीने पहले ही टीवीएस अपने राइडर से 125 सीसी सेगमेंट को स्टार्ट किया था, जो अपने एडवांस फीचर्स, लुक और माइलेज के कारण टीवीएस के सेल को काफ़ी हाई किया है। और अब इसी सेगमेंट में टीवीएस एक और बाइक फ्यूरो को भी इंट्रोड्यूस करने जा रही है। हालांकि ये बात कंफर्म नहीं है, बट ऐसा कहा जा रहा है कि फ्यूरो अपने कई सारे स्टाइलिंग एलिमेंट्स, फीचर्स राइडर से बोरो करने वाली है। बात करें बाइक के लुक की, तो दोस्तों ये जो बाइक है वो रेट्रो डिज़ाइन कैरी करने वाली है, जिसमें आपको कुछ सेम हाइलाइट्स जैसे कि राउंड हेडलाइट, एक सिंगल पीस सीट रिब पैटर्न में, मस्कुलर फ्यूल टैंक और सर्कुलर रियर व्यू मिरर्स देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा बाइक के रियर सेक्शन में एक सिंगल पीस चंकी ग्रैब रेल और साइड ऑन एग्जॉस्ट पे एल्युमिनियम कोटेड कैनिस्टर को भी यूज़ किया जाने वाला है, जो बाइक के लुक को और भी ज़्यादा आई कैची बनाती है। लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग के दौरान राइडर को एक कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर प्रोवाइड कराने के लिए ही बाइक में टॉल हैंडल बार्स और सेंटर सीट फुटपेक्स का यूज़ किया जाने वाला है। टीवीएस फ्यूरो 125 रेट्रो थीम पे बेस्ड होने के कारण बाइक के साइड पैनल्स, इंजन, गियर बॉक्स, लेग गार्ड और मेन फ्रेम को जो है फुल ब्लैक कलर में कवर किया जाने वाला है, जो बाइक को एक स्पोर्टी ड्यूल टोन थीम प्रोवाइड करती है। बाइक में सस्पेंशन सेटअप आपको राइडर जैसा ही मिलने वाली है। फ्रंट की तरफ कन्वेंशनल टाइप के टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉक और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन विद स्विंग आर्म। लेकिन ब्रेकिंग सेटअप की बात करें तो इसमें आपको बोथ साइड सिंगल डिस्क ब्रेक दिए जाएंगे विद CBS। फाइनली दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बाइक के मेन पार्ट, उसके इंजन के बारे में। तो इसमें जो है आपको पावर जनरेट करने के लिए 124.8 सीसी का एयर कूलिंग इंजन यूज़ किया जाएगा, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि इसमें आपको 3 वाल्व इंजन दिया जाएगा या फिर 2 वाल्व। अगर आपको 3 वाल्व इंजन ऑफर किया जाता है तो इसमें आपको 11.2 bhp तक की पावर और 11.2 nm तक का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगी, और अगर 2 वाल्व इंजन मिलता है तो वो 15.31 bhp तक की पावर और 13.9 nm तक का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगी। अभी तक मैंने आपको जितना भी इंफॉर्मेशन बताया है वो सभी आ रहे रिपोर्ट्स के हिसाब से बनाया है। बाइक के बाकी छोटे मोटे डिटेल्स आपको लॉन्चिंग के टाइम ही पता चल जाएगा, इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।